गाइस वेलकम बैक माय चैनल माय वर्ल्ड में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं विषय लेके आई हूँ वो है मेरा शुभकामना पत्र। कुछ बच्चों को शुभकामना पत्र लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी तो इसलिए मैं शुभकामना पत्र लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आप सभी को मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में बता दिया था कि शुभकामना पत्र, बधाई पत्र ये कौन से पत्र के अंतर्गत आते हैं। हमारे पत्र के दो हिस्से हैं, एक है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, और अनौपचारिक पत्र क्या होता है, औपचारिक पत्र क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी आप सभी को समझा दिया था। और उससे कुछ नियम होते हैं, पत्र लेखन के कुछ नियम होते हैं वो भी मैंने आपको दे दिए थे। उसके बाद मैंने आपको बधाई पत्र दे दिए थे। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत मैंने कम से कम मेरे 5-6 पॉइंट्स रखे थे, उन सारे में से मैंने बधाई पत्र आपको समझा के दे दिए थे। आज जो विषय लेकर आई हूँ उसी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत मेरा जो है शुभकामना पत्र। ठीक है, लेकर आई हूँ वो है अनौपचारिक पत्र के ही अंतर्गत हमारा शुभकामना पत्र। बच्चों शुभकामना तो बहुत कुछ होते हैं, ठीक है नहीं। आज आपको किसी चीज़ में सफलता मिली है तो भी आपको शुभकामनाएं दी जाती हैं, बधाई भी दी जाती है, कि मिलते एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही पत्र, एक ही मीनिंग है उनका। और शुभकामना जो है वो हम उनको आगे, मान लीजिए किसी का आज जन्मदिन है तो उनको भी हम शुभकामनाएं देते हैं और साथ उनको बता दें कि आपके आगे के जीवन के लिए आपको और भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आप ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की को हासिल करें और बहुत ऊंचाई तक जाकर पहुँचे ना। तो शुभकामना हम आगे के लिए भी देते हैं। तो आज कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि मैं मेरी मान लीजिए मेरी छोटी बहन की एग्ज़ाम है या परीक्षा है तो उसके लिए मैं शुभकामना उसको पहले से देना चाहती हूँ, तो वो कैसे लिखूँ मैं। ठीक है, तो इसलिए मैं शुभकामना पत्र लेकर उपस्थित हुई हूँ और जो टॉपिक आप लोगों का है उसी टॉपिक के रिलेटेड ही मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, तो हम शुभकामना पत्र बहुत बहुत तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, मान लीजिए किसी का जन्मदिन है उनको शुभकामना दे रहे हैं वो भी दे सकते हैं। आने वाली है, मान लीजिए हमारी दिवाली आने वाली है तो हमें हमारे मित्र को हम तो वहाँ नहीं जा सकते तो उनको पहले से दिवाली के लिए इनको यहाँ से बैठे बैठे उनको पत्र के माध्यम से उनको शुभकामनाएँ भेज सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सी ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे पास, ऐसे कुछ बहुत से ओकेशन है जिनके लिए हम शुभकामनाएँ भेज सकते हैं। और जो आज का टॉपिक है जो आपने मुझसे कहा वो टॉपिक है कि एक बड़ा भाई है जो कि बहुत दूर रहता है अपनी बहन से और हर साल मान लीजिए वो परीक्षा के पहले कभी कभार वो चला जाता है, बहन को मदद कर देता है, लेकिन इस साल वो उसके चलते अपने कुछ कार्य के चलते वो नहीं आ पाया अपनी बहन को मदद करने, पढ़ाई के लिए थोड़ी सी और उसको पढ़ाने लिखाने के लिए मदद करने के लिए नहीं आ पाया। तो भाई क्या करता है, पहले से उसको एक शुभकामनाएं पत्र भेजता है अपनी छोटी बहन को। वो क्या लिखता है, कैसे लिखता है, हालांकि बच्चों में अपनी जैसा मुझे लगा, मैंने छोटा लिखा था कि क्लास 2-3 से लेकर एकदम 8-9-10 के बच्चे तक काम आ जाए। हालांकि बोर्ड के बच्चे यानी कि 10th और 12th के बच्चे भी ऐसे ही लिखते हैं छोटा करके, हम भी छोटा में ही बिलीव करते हैं कि किसी भी तरह पत्र का फॉर्मेट जो है वो सही हो जाए और हमें पॉइंट टू द आंसर लिखना हो जाए और अच्छे मार्क्स हमें, अच्छे अंक हमें मिल जाए ना। तो मैं आज जो लेके आई वो भी मैंने बहुत छोटे में मैंने रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया था कि अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत ये शुभकामनाएं पत्र भी आते हैं। ठीक है, शुभकामनाओं के पत्र के मैंने ऑलरेडी बता दिया था, अनौपचारिक पत्र के हम फॉर्मेट क्या था, ठीक है, उसके नियम क्या थे, उसे कैसे लिखे थे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। तो इसमें भी सेम टू सेम आपको उसी तरीके से लिखना है जैसे आपको मैंने बधाई पत्र दिए हैं, आपका एड्रेस यानी कि आप लिख रहे हो तो आपका एड्रेस, उसके बाद क्या आएगा आपका दिनांक। ठीक है, आप जब लिख रहे हो दिनांक देना है आपको, उसके बाद आपकी बहन या आपके यहाँ पे मैंने कहा उसकी माँ जो उसका जो बड़ा भाई जो है वो अपनी छोटी बहन को भेजता है पत्र, तो उसने अपनी छोटी बहन का नाम उसके प्यार लिखा है, मैंने प्यार लिखा। आप यहाँ पे स्नेहाशीष भी लिख सकते हो, प्यारी, बहुत कुछ लिख सकते हो जो आपको लगे अपनी बहन को प्यार या जो भी। इस जगह में आप अपने बड़े को भी लिख सकते हो, लेकिन बड़ों को लिखने के लिए आप प्यार नहीं, उनसे आप क्या करोगे, नमस्ते कहोगे।
ठीक है। बहुत ऐसे भी कुछ पॉइंट्स है जो लिखने पड़ते हैं पत्र में, आप बड़ों को क्या कह सकते हो, छोटों को क्या सकते हो, ये क्या कहना है या क्या कह सकते हो, उस वीडियो ये जो इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो आपको बना के भेज दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा अच्छे से कि छोटों को हम क्या कहेंगे और बड़ों को हम क्या कहेंगे पत्र के शुरुआत में और पत्र के अंत में हम उनसे क्या कहेंगे। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगी, तो ताकि आपको कोई भी पत्र आप लिखें आसानी से उसको आप लिख सकते हैं। तो आज का जो पत्र है वो मैंने ऐसे लिखा है, उसका मैंने अपना जो एड्रेस मैंने दे दिया, मैंने यानी कि भाई का, बड़े भाई का, और बड़े भाई ने दिनांक भी लिख दिया, उसके बाद उनकी छोटी बहन का नाम उन्होंने दीपिका रखा है, ठीक है। तो बहुत बहुत प्यार, अपनी बहन को उन्होंने प्यार जताया है, उसके बाद उन्होंने दिया, क्या लिखा है उन्होंने सुना सुनते हैं। आशा करता हूँ तुम स्वस्थ एवं आनंद में होगी दीपिका, आने वाली 7-2-20 को तुम्हारी वार्षिक परीक्षा है, मेरे कुछ कार्य के चलते मैं नहीं आ पाया, तो तुम अपनी पढ़ाई मन लगाकर करना। तुम्हारी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशा करता हूँ कि तुम्हारी परीक्षा अच्छी होगी और तुम अव्वल अंकों से उत्तीर्ण होगी और हमारा नाम गर्व से ऊंचा करोगी। माँ और पिताजी को मेरा प्रणाम कहना, छोटों को मेरा प्यार देना, ध्यान लगाकर पढ़ाई करना, पत्र लिखना, तुम्हारा बड़ा भाई कबीर, ठीक है। तो यहाँ पे इस पत्र में मैंने क्या लिखा कि हमारे, देखिए हमारी ज़िंदगी में बहुत से छोटे बड़े रिश्ते होते हैं, तो इस पत्र में मैंने दिखाया कि प्रवीर बड़ा भाई है, उसकी बहन छोटी जो दीपिका है वो छोटी बहन है, साथ ही उसके घर में एक और भाई होगा प्यारा सा छोटू, या कोई भी उसके फैमिली का हिस्सा होगा, तो उन्होंने छोटू को बहुत प्यार दिया है और साथ में उन्होंने माँ और पापा पिताजी को अपना प्रणाम भी कहा है। यानी कि एक कह सकते हैं कि छोटी सी जो पत्र में हमें एक्चुअल में कुछ कुछ चीज़ें लिखना चाहिए, हम तो चाहे तो हमारे पत्र जो वो दो लाइन में ख़त्म कर सकते हैं कि मेरी छोटी बहना आने वाली 2 दिन में तुम्हारी परीक्षा है, मुझे पता है, और मैं वहाँ उपस्थित नहीं हो पाया, तो तुम्हारी आने वाली परीक्षा के लिए तुम्हें ढेर सारी बधाई या ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो ये हम ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा रोमांच इसमें थोड़ा सा अगर झंझोड़ के लिखेंगे तो एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, हमें लगेगा कि एग्जामिनर को कि आपने थोड़ा सा उसको समझा है, जाना है, आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। और जितना आप उसमें अपनी जो भी कला है या जो भी आप कुछ क्रिएटिविटी करेंगे, उतना जितना आप करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा और डाला है ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें कि आपकी फैमिली में भी ऐसे छोटे बड़े चीज़ होंगे जिनको आप लिख सकते हो। आप अपने, मान लो आप दूर हो, आपके छोटों को आप कुछ नहीं कह रहे, तो आपने पत्र के माध्यम से उनको प्यार भेजे, तो छोटू भी सुनेगा कि जब दीपिका पढ़ के अपनी माँ पिताजी छोटू के सामने पढ़ेगी पत्र और साथ में बोलेगी भैया ने मुझे बेस्ट विशेस दिए हैं, ऑल द बेस्ट दिए हैं, एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं भेजे हैं मुझे, और साथ ही माँ और पिताजी आपको बना भेजा है, और छोटू तुम्हें भी भाई ने बहुत बहुत प्यार भेजा है। तो इस तरीके से हम पत्र को लिख सकते हैं और ये शुभकामना पत्र हमारे अनर्थक पत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लिफाफे में जब आप पत्र को भेजोगे तो लिफाफे में आपको लिखना है क्या उस जहाँ भेज रहे हो, जिनको भेज रहे हो, यानी कि अपनी बहन को भेज रहे हो, बहन का पता आप लिफाफे के ऊपर लिखोगे। तो बच्चा, सबसे पहले आपको ये जो फॉर्मेट है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमारा लेटर का फॉर्मेट, यानी कि हमारे पत्र लेखन का फॉर्मेट है, कौन से पत्र लेखन का, अनौपचारिक पत्र लेखन का, यही हमारा नियम है, फॉर्मेट यानी कि नियम, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये जो मैंने दिया, ये आप चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता, तो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, कोई भी पत्र लिखे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें उसका नियम, उसको कैसे लिखना है, उसके नियम कैसे, उसको लिखना जरूरी, क्योंकि हमारे इसी के ऊपर डिपेंडेंट हमारा मार्क्स भी होता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ये थी मेरी शुभकामनाएं पत्र, आगे मैं आपको दूसरे जो भी टॉपिक्स मैंने दिए थे उसके ऊपर पत्र लेकर फिर से आपको, आपके पास लेकर आऊँगी, आपको, आपके लिए फिर से स्वागत हाजिर हो जाऊँगी पत्र को लेकर, दूसरी टॉपिक के लेकर, ठीक है, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत। हालांकि मैंने औपचारिक पत्र का सिर्फ एक ही पत्र दिया था, उसके ऊपर भी मैं और 2-3 टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। आपको कैसा लगा पत्र, आप अच्छे से पढ़िएगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स होता है, समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट्स बता सकते हैं और बच्चे आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय।